आज महाशिवरात्रि समस्त शैवपीठ गुड़िक पूजार्चना सका सका आरंभ हो सब शैवपीठ में भिड़ देखा मिली एवं भक्त मैंने श्रद्धा मैंने पहुंची प्रभु बाबा पूजार्चना कर समस्त उपवास रखि थे आज महाशिवरात्रि जेहेतु दीपदान करेंगे तेज महाशिवरात्रि चलचंचल एक आमर क्षेत्र आज बाबा लिंगराज का बड़ पर्व जागर यात्रा गत वर्ष भली एथर भी कोविड कटकण में पालन हेबो पर्व तेबे आज महाशिवरात्रि देवदेव महादेव पूजार्चनार विशेष तिथि कहुए दिन भक्ति सहित राति उजागर रही महादेव को उपासना कले सब दुख दूर होगा सहित मनोकामना पूरण होता है। तेज बलांगीर जी शांतिपड़ा उपस्थित अच्छा प्रदीप्त धवलेश्वर पीठ अच्छा मनोरंजन तेज प्रथम प्रदीप्त आपको आसबि आज हूँ महाशिवरात्रि देवदेव महादेव पूजार्चनार आज विश्वस्त रही सेठे आपेश देखुं प्रदीप्त कहि बलांगीर जिला शैवपुर शांतिपड़ा जो चंद्रशेखर महादेव पाखे आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि आज जागर यात्रा कहते जागर महाशिवरात्रि को जो शिवरात्रि अवसर में श्रद्धा अनेक भक्त अनेक मनोकामना मानसिक पूजा करता ठीक से हीपरी बलांगीर सहर आज बलांगीर जिले में समग्र जिले में विभिन्न शैवपीठ मान पालन पर्व पालन कर देखो जहाँ रही जो लग्न रही जो जहाँ नियम रही नियम अनुजाई पूजा पाठ चलती बर्तमान आज सकाल शांतिपुर अच्छे देखो आप देखी पार्थे श्रद्धा मैंने सका भोर पहांतिया पांचटा चार्टा पांचटा आस समागम भक्त लाइन रहा पुलिस प्रशासन पक्ष जिलार विभिन्न शैवपीठ मान पुलिस मुतयन कर शांति श्रृंखला रक्षा करने विगत दु वर्ष मध्य कोरोना कोविड कटक चलता कोविड मध्य अनेक श्रद्धा ये जो मंदिर दूरे थे पूजा पाठ दूरे थे कि मंदिर दर्शन कर पार नथिले किंतु चलित वर्ष ए पूजा को लेकिन बर्तमान लोक मन उत्साह सृष्टि कर मंदिर भगवान देवदेव महादेव ठाकुर देव दर्शन कर आज जागर ये जागर यात्रा अवसर जहाँ रही जो संध्या समय जागर मंदिर उपर जागर दिज्वे जागर प्रदान करेक श्रद्धा भिड़ रही है कहीं देखो हिंदू परंपरा आकार बार मस तेर तेरह यात्रा कहते ठीक से जगार अच्छी आज से शिवरात्रि यही शिवरात्रि अवसर में अनेक श्रद्धा अनेक लोक भिड़ समागम रही प्रदीप्त भी देखी पार्छ किभली भक्तिमय परिवेश आपको अटकायबाकु चाहिबे आम सहित जोड़ी वेदव्यास सुशांत मध्य धवलेश्वर पीठ रु मनोरंजन अच्छा मनोरंजन आपण पाखु आसीबी आज रीतनीति कोन रहिछि धवलेश्वर पीठ रे देखो तमे कहबा हम नका दउ छी कि जो बहुत चारिटा रु बाबांक जलाभिषेक करा सैला परे जो रहिछि सकाळु मंगला आरती भाव केवल पवित्र पीठ से 144 धारा लागू साधारण दर्शन को संपूर्ण भाव बंद कर जो रही केतक फूल केतक फूल सुशोभित भक्त दर्शन देखने अन्य देखे जो भक्त मैंने जानी ना से पीठ को आसुचार और निराश हो सकते निश्चय मन में कष्ट रही जो पुलिस अच्छा पुलिस भाई मन से बहुत बुझा बारण कर निश्चित भाव मनोरंजन संपूर्ण परिवेश खाँ खाँ रही जेहेतु 144 धारा जारी करा श्रद्धालु माने मध्य आसी पारु नाहांती बाबांकर दर्शन कर पारु नाहांती समस्तिंक मनरे गोटे अफसोस मध्य रही जहां दिन जाकर कार्यक्रम होइछी से पूजार्चना हेबो से सब संपर्क जानवा टी अटकैबा को चाहिए आम सहित वेदव्यासुर अच्छा सुशांत सुशांत परिवेश किभ देखुंती भक्त मध्य उत्साह देखुंती कारण गत 2 वर्ष कोविड कटकणा मध्य सामूहिक पूजार्चना करने को अनुमति दिया जानुथले एवर्ष पूजार्चना किसी स्थान में अनुमति दिया जाउछी
देखो जी आम कह पवित्र शिवरात्रि और शिवरात्रि जो शैवपीठ मानक प्रबल भिड़ रही है एवं खास कर देखिए वेदव्यास जो त्रिवेणी संगम रही पाखापाखि चारोटी राज्यर अनेक लोक सहस्राधिक लोक ये आसती पूजा अर्चना करते आम बर्तमान सीधा साल दृश्य देखू आम अच्छू तार गेट पाखे कि भाव में पुलिस प्रशासन रही संपुक्त अंचल बर्तमान 144 धारा जारी कर आम ये जो भक्त मैंने बाहर आसुच्चे फेरी जाऊँच सहित आलोचना करने आसते फेरिकी जाऊँच कौन कहे देखो आज शिवरात्रि दु वर्ष पर बर्तमान खोली था कि बर्तमान 144 धारा आपण मैंने आसी फेरिकी जामी लगुच कौन लगे ये तो आम पाई ही गवर्नमेंट करा अलग लोक आम पाई ही करोना कर तो आम कौन करवा छाड़ दबा जा छोट मोट मंदिर जेल ढाई प्रशासन तरफ 144 धारा जारी कर दृश्य देखी पाँच पुलिस प्रशासन कि रही कौन से लोक कौन से भक्त को भितर को जीवा को अनुमति ना केवल मात्र 11 जन पूजक सहित 11 जन पूजा अनुमति व्यवस्था करा जाय छी जे तो लोक मानको सुरक्षा पई कि वर्तमान 144 धारा जारी करा छी से माने मध्य सहयोग करछंती से माने मध्य स्वीकार करछंती जे ता ठीक कथा जे समस्तिंग स्वास्थ्य कथा भी भाबिबा कथा किंतु प्रशासन पक्षरु मध्ये ए संपर्क रे पूर्व जणा जायथिले कि कारण लोक माने श्रद्धालु माने आसुछंती से माने फेरि जाउछंती निश्चित प्रशासन तरफ जिलापाल विज्ञप्ति जारी करते 144 धारा गत काली आरंभ हो आसंता काली पर्यंत जारी रहा जहाँ को नहीं कौन भक्त को भी जीवा को बारण रही कि आम बाबद जिलापा पचारूँ जिलापा कहते जेहे सुरक्षा दृष्टि करूँ कि भक्त जापर और अल्प गहली में किभ कम हो पार कोविड कटक भितर कि कम हो पार लोक भक्ति को आँच न आसी कि कम हो पार से व्यवस्था करतमान पर्यटन जब देखा ये संपूर्ण 144 धारा जारी कर भक्त को अनुमति दि जाऊना जे भितर प्रवेश करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे किंतु जहाँ विधि व्यवस्था रही से विधि व्यवस्था पालन करा जिवे बोली जिलापाल सूचना देछन्ते सुशांत जी कौन सब स्वतंत्र पूजा अर्चना रही देखो जेहेतु वेदव्यास पीठ शैवपीठ एक बहु पुरातन शैवपीठ पाखापाखि शताधिक वर्ष पूर्व ये पूजा अर्चना चली जहाँ शिवरात्रि जहाँ विधि व्यवस्था रही भड़ी भोर उठी सका पूजा कम आरंभ हो जाए मंदिर सफा सुतरा कर ठाकुर पाखे जहाँ धूप दीप नवेद जहाँ देवा कथा समस्त जिनस कार्यक्रम सका चली एवं खास कर कह मंदिर परिसर को सफा सुतरा कर प्रशासन तरफ रंग दि जाइए किंतु बिना भक्त बर्तमान कर आज जी कह आज जगर मेला प्रसिद्ध जगर मेला जहाँ कि शताधिक वर्ष पुराणा ये हुए बहु साधु सतर एटी आसिक आगमन हुए और से रहा कि चलित बर्ष जब देखा कौन साधु सत आसी ना कि बाहर राज्य जी पाख झारखंड छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य प्रत वर्ष जगर दिन आसती सहस्राधिक भक्त कि चलित बर्ष समस्त भक्त आगमन बंद रही जेहे कटका रही बर्तमान जब देखा स्थिति पूरा खाँ खाँ रही मंदिर परिवेश निहाती भाव में सुशांत आम देखी पार्छ बिना भक्त वर्तमान रीतिनीति अनुसार पूजा अर्चना चलती वेदव्यास तेज प्रदीप तो आपण पाख आसवि आपण जो स्थान अठारे कि गहली देखा मिली श्रद्धालु तेज कि प्रतिक्रिया निद्धा निश्चित भाव अच्छा प्रतिदिन चेस्ट करवा सहित अच्छा जो बाजी अच्छा श्रद्धालु अनेक समागम होती आलोचना करवा सब आज्ञा आज आप शिवपीठ कि गोटे कोविड भाई दिवस है शैव पूजा पर्वजन बंद रही है कि महाशिवरात्रि जगह रही है प्रतिक्रिया कौन रखी हाँ कोविड रे दिवस है लोक जगजग नहीं थी वर्तमान टिके सरकार द्वारा कोहल कहवार द्वारा लोक मैंने आज बहुत भिड़ हे प्राय 4 बजे रु लाइन लगी तार हिसाब ने 500 खंडे गले हराहरी 3000 खंडे जमा हमें निश्चित भाव शुणी पारे कि आम जो शैवपीठ रही शैवपीठ से पाखापाखि 3000 ऊर्ध भक्त हमारी कहीं सहर भितर अच्छी सहर जो विभिन्न साई रही बस्ती रही लोक यही मंदिर को आसती महा शिव जो शिवरात्रि जो महादीप चढ़े उपरक महादीप निज निज दीप सहित बसी था पूजा अर्चना बाहर में गहली हुए कि चलित बर्ष जहाँ लगुच पाखापाखि जो कोविड कटक जो कोहल जो घटी प्रशासन पक्ष जो रही कड़ाकड़ी व्यवस्था थे लोक मैंने
कोविड गाइडलाइन मानुछन्ती एवं आज बलांगीर हरिशंकर कथा कहतु जो कि हरि एवं विष्णु मिलन स्थल रही हरिशंकर कहते सर्व पुरातन शैवपीठ बहुत दिन शैवपीठ शह शह जो शैवपीठ से शैवपीठ महादेव महादेव पूजा अर्चना चलती बलांगीर कहगा पूजा चलती बलांगीर जिले में आज सर्व विभिन्न शैवपीठ मानक रीतिनीति नियम अनुजाई पूजा चलती जहाँ कि सका उठिक देवदेव महादेव स्नान रही है आरती रही है प्रसाद लगी है जो रीतनीति अच्छी रीतनीति का पूजा चलती कि आज जो किसी बलांगीर जिलार क्या कहते जो भक्त साधारण रही मन गोटे उत्साहित देखा पड़ी कहीं जो कोविड कटक रही सरकार जो कोहल जो हटे जो नियम टी जो हटि जाए नियम जो हटिले लोक मैंने निजर सोशल कोविड कटक रही कहते जमी था आज जेहेतु महाशिवरात्रि रही कोविड कटक भितर आगु लोक मैंने दर्शन कर श्रद्धा मैंने दर्शन कर आज निश्चित भाव भिड़ जमीब जो सब कटक रही कि भाव व्यवस्था कर देखते पुलिस प्रशासन रही पुलिस जगी रही अन्य पक्ष बाहर पुलिस रही जो मैंने आसुच्च लाइन रही कहते क्यू रही सका पाखापाखि चार सका भोर चार आज अनेक श्रद्धा अनेक भक्त आई पाखापाखि यू अनेक श्रद्धा देवदेव महादेव दर्शन कर बाहर लोक भिड़ रही कि पुलिस प्रशासन जो रही बलांगीर जिलार विभिन्न जगह विभिन्न शैवपीठ मान में पुलिस मुतयन रही शांति श्रृंखला व कोविड नियम को कमी लोक मानवे और लोक सचेतन करने पुलिस रही कि अन्य पक्ष जो आज कह जो भक्त मान भिड़ आज गोटे भक्त मान मन गोटे उत्साहित सृष्टि होती कहीं विगत दिवस है कोविड कटक लोक मैंने महादेव विभिन्न शैवपीठ को दर्शन कर पार नाते जहाँकि जगरण फांका फांका लगुला केवल मंदिर पीठ से मंदिर भितर परिसर भितर जो मंदिर किसी कर्मकर्ता पूजारी मानक नहीं मंदिर परिसर पालन कर चलित बर्ष बलांगीर जिले में जो प्रशासन पक्ष जो सूचना दिखाई नियम सूचना रही कि सहर जिला भितर अनेक श्रद्धा जगर जगर पालन करेंगे जहाँकि शिवरात्रि मेला जो शिवरात्रि मेला जो टीटलागड़ बड़ पर्व चलते शिवरात्रि मेला बर्तमान टीटलागड़ मेला चलने कहीं ठाकुर को पूजा कले बाहर मेला चलते जो थे कि मीना बजार पड़ता है अनेक दुकान बजार आसते कि चलित बर्ष ता बंद रही बंद देखा मिली केवल जो मंदिर परिसर भितर पूजा अर्चना चलो नियम अनुजाई पूजा करेंगे जो भक्त श्रद्धा अच्छा दस देवदेव महादेव दर्शन करेंगे बर्तमान ताक नहीं बर्तमान लोक मन अनेक उत्साह सृष्टि होम सह जो श्रद्धा आलोचना करवा सर आप शैवपीठ आई विगत वर्ष मानक शैवपीठ मन खा खा फांका लगुला चलित बर्ष आप कमी उत्साहित मन करते जस्ट आसली वर्ष टे भल लगुच मैंने कोविड लगे टे बाकी वर्ष टे असुविधा लगुला वर्ष भल लगुच उत्साहित आम आस निश्चित भाव आप शुभ पारे कि जस्ट जो भक्त पहुंचे बाहर लाइन ठिया होते कि जो आम मंदिर परिसर भितर रही मंदिर परिसर भितर रहा देखो भक्त मानी दीप जो दीप आम जो दीप अच्छी धूप चलती सब पूजा अर्चना कर पूरा परिवेश देखी पारे सका सका कि भाव में भक्त मान श्रद्धा मान भिड़ देखा मिली प्रदीप्त भिड़ कि भाव देखा मिली आम देखी पार्छ कि देखा रात्रि समय आहरी भिड़ देखा मिल कहीं रात समय उजागर रात्रि उजागर रही श्रद्धा मैंने जो मैंने उपवास करते आज दीप जल्दे तो से कौन तमाम व्यवस्था कर देखो आज रात जो महादीप चढ़ मंदिर चढ़ बेड़े परिक्रमा कर मंदिर जो चारिपार्श्व जो दीप नहीं जो श्रद्धा भक्त मान बस कड़ाक मैंने व्यवस्था कर सब संपूर्ण भाव में सब सफा सुतरा कर जो मैंने बसवे सोशल डिस्टेंस बस पारे आम मंदिर प्रसाद मंदिर पक्ष मंदिर कमिटी पक्ष सूचना पाऊ जो महादीप जल्ला जो मैंने श्रद्धा आसते भक्त मैंने आसते किसी उपवास रखी थे व्रत रखी थे ओषा रखी थे से संध्या समय भक्त मान समागम देखे अनेक श्रद्धा अनेक भक्त आसे कहीं जो आम जो मंदिर पाखे रही जो चंद्रशेखर बाबा मंदिर पाखु ये रही शांतिपड़ा रही शांतिपड़ा प्रायतः अनेक जो पड़ा अच्छा जो साई अच्छे साई बस्ती बैश्विक बस मंदिर निर्भर करते अनेक श्रद्धा आसी था कहीं आज संध्या समय रे जहाँ जो महादीप ऊपर चढ़ महादीप जो लगा प्रदीप्त समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाएगी महादीप समय किभली भिड़ को नियंत्रण करा जीवो से संपर्क आपण सूचना देउथिले तबे मनोरंजन आपण पाखु आसीबी खास करके धवलेश्वर पीठ से महादीपर विशेषत्व रही आज केते बेले नीति निर्घंट कर महादीप उठिबा देखो जहाँ सूचना रही
पूजा सरला रही हरिहर भेट हरि पवित्र धपेश्वर पीठ से हरिहर भेट कर हरिहर भेट सरला जो रही महादीप पूजा आरंभ हम एवं जो रही राति गोटे समय महादीप उठवार रही नीति रही समस्त जहाँ अन्य देखिए कैमरा देखते कि लोक मैंने दूर दूरा आसु जानते पवित्र पीठ से शहीद चौरासी लागू करेंगे आस मन दुख से खेल जेहेतु आम अर्थात अच्छु धवेश्वर जो मुख्य पाठ मंत्री आठ बाबा उद्देश्य से दीपदान करू ही बाबा नेत दर्शन करेल्ते निश्चित भाव मन में दुख रही जेहेतु दूर दूरा आसते बाबा को टी दर्शन करेंगे जो रही निजर मनोकामना जनइबे जेहेतु पवित्र पीठ से शहे चौरासी लागू करेणुपी संपूर्ण परिवेश कथा रही जो श्रद्धा मैंने आई बाबा निकट में दीप जाली जाऊँ आम किसी भक्त श्रद्धा प्रतिक्रिया नवा देखिए से किभली भाव आश्रा मैंने यार ही बाबा को उद्देश्य से दीपदान कर पुलिस मैंने से बुझे चेस्टा करे चौरास लगे कहते कहा दर्शन करहबन जो भावे देखुले धीरे धीरे जेहेतु समय बढ़िया सहित भक्त मैंने आसुच्चों पुलिस पक्ष बारण कर देखे कि भक्त मैंने बाबा मिलसे यही ही दीपदान करेत को दर्शन कि देखा जेहेतु बर्तमान प्रथम पहर पूजा आरंभ हो जाए जो बाबा राति चारिटू शहे आठ कलसी में स्नान कराई मंगला आरती पर खेचुड़ी भोग बर्तमान चली बाबा को मैं जो केतकी फुल जेहे सबसे प्रिय हूँ बाबा केतकी फुल बाबा केतकी फुल सुसज्जित करते बिना भक्त बाबा धवलेश्वर भक्त मानक दर्शन देखते अनेपटे देखिए पूजा पक्ष पूजा समिति पक्ष समस्त नीतिकारी सुरखुरी समापन कर निहाती भाव में मनोरंजन खास विशेषत्व रही आज दिन केतकी फूल प्रभु महादेव को अर्पण कले विशेष फल मिलता है तेरे से जो जदि पंडित अच्छा आज दिन विशेषत्व विषय पचारि बुझा तो धवलेश्वर जी जो झूला फूल रही आम झूला फूल सम्मुख रही जहां आम नना सूचना दूसरे कि जो बाबा प्रथम पूजा समस्त नीति जो भाव चलिया कथा से आरंभ हो जाए जो महादीपर कथा महादीप प्रशासन पक्ष नीति ध्यान दि जाए कि भाव भक्त मैंने फेरबे फेर दिजा कि भाव जो भगवान जो भक्त मैंने भोग आने से यही बाबा उद्देश्य से देखते कि भाव भक्त मैंने आई यही फेरी फेरी जाऊँगी बाबा उद्देश्य यही ही दीप लग निजर मनोकामना आम देख पारे मनोरंजन किभली भाव आपण जो पक्षपटे आम देख पारू जो श्रद्धा मैंने आसुच्च बाबा दर्शन कर दीर्घ वर्ष दुई वर्ष पर आसी आशा कर शिवरात्रि बाबा दर्शन करेंगे कितु ता संभव हो पारे नहीं बाहर दीप जल प्रार्थना कर फेरी जाऊँगी कि प्रतिक्रिया ने तो खंड सिद्धु आसते बाबा दर्शन कर दुई तीन वर्ष हम धवलेश्वर पीठ से डाक जाता बंद रही कोविड कटक सकाशे तेरी लोक मैंने जे मैंने जानी ना से आसुच्च दर्शन करेंगे जेहतु देखते शहे चौरासी फेरी जाते यही ही बाबा उद्देश्य से दीप लगे जाऊँगी देखुते कि धीरे धीरे जे समय बढ़ी जो लोक मैंने जानी से लोक भिड़ धीरे धीरे जमुची और अंपटे देखिए पूजक कमिटी पक्ष में बाबा नीतिकांति ठीक सुरखुरी से चल रही देखुवे कि निश्चित भाव समस्त मन में दुख रही जेहेतु आसते दूर दूरा विश्वास रही देवदेव महादेव को आज दिन में दर्शन कले कोटि जन्म पुण्य मिले धवलेश्वर पीठ से वर्तमान परिवेश रही अटकायबा को चाहिए सुशांत जी सुशांत बर्तमान आप वेदव्यास पीठ से अच्छा सुरक्षा व्यवस्था किभ देखुं कारण भिड़ को नियंत्रण करने आज्ञा
ଯେହେତୁ ଏଠି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବେଦବ୍ୟାସ, ଏଠି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଯେହେତୁ ପାଖ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିହାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ହେଇଛି, ଗତକାଲି ଯୋଉ ସାନି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ବେଦବ୍ୟାସରେ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏଠି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର 2 ମନ୍ଦିର ରହିଛି, 2 ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, 2 ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଉଠେ ବୋଲି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିତରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳି ଜାଗର ରହନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ବସିବେ କିମ୍ବା ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନାର କଟକଣା କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ଶିବରାତ୍ରିର, ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧି ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଗତ 2 ଧରି କରୋନାରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆସିପାରିବେ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ରହିଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଏଠି କୋଇଲ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ମିଳନ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ରହିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହୁଥିବ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୀଠ ନିକଟରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଆୟେ ଥେ, ମନ୍ଦିର ମେ ଆୟେ ଥେ, ୱାପସ ଜା ରହେ, କିସ ଲିଏ ୱାପସ ଜା ରହେ, କ୍ୟା ବୋଲ ରହେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି କି କିଭଳି ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ତାଙ୍କର ମହାଦେବ ସ୍ନାନ କରାଗଲା, ସ୍ନାନ ପର୍ବ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଭଜନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଯୋଉ ରହିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତିପୁରାଠାରେ, ଏଠି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନ ତମାମ ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପବିତ୍ର ଜାଗର, ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତ ହବ, ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରହିବ ଠିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇ ଶୈବପୀଠରେ, ଏଇ ଶୈବପୀଠରେ ଯାହା ହୋମ ହବ, ଯଜ୍ଞ ହବ, ଏଭଳି ଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଯୋଉ ପୂଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜାଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯୋଉ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ଯୋଉ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ଉଠିବ, ଯୋଉ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ଯାହା କହିଛି ତା ଆକାରରେ ଯାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ, ମନ୍ଦିର
ବେଳାରେ ପରିକ୍ରମା ଫଳ ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦୀପ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଅନେକ ଶୈବପୀଠ ଯେମିତି ଠିକ ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରୀତିନୀତି ପୂଜା କରିବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଯେଠି ଦନା ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନ ତମାମ ସକାଳୁ ଭୋର 4 ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲାଇନ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକମାନେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାଳେ ଲୋକ ଯଦି ଭିଡ଼ ରହିଯିବେ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାହା ଲୋକ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିଛି ଯାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ହରିଶଙ୍କର, ରହିଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ହରି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଆମର ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜିର ରୀତିନୀତି ଆପଣ କହିଲେ। ତେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଜି ଦିନ ତମାମର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି? ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପହଡ଼ ଖୋଲା ଯାଇ 108 ଦଳରେ ଦଳାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ଦଳାଭିଷେକ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯିବ, ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭାଗ ଲଗା କରାଯାଇ କେତେ ଫୁଲରେ ବାବାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବିନା ଭକ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ରହିବେ। ଯୋଉ ରହିଛି ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଯୋଉ 4 ପୂଜା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା କରାଯିବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପରେ ଯୋଉ 4 ପୂଜା କରାଯିବ, 4 ପୂଜା ପରେ ଯେହେତୁ ହରି ଏବଂ ହର ଦୁଇ ରହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପୀଠ, ତେଣୁ ହରିହର ଭେଟ କରାଯିବ। ହରିହର ଭେଟ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଦୀପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମହାଦୀପ ସରି ମହାଦେବର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା ପରେ ରାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ରାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯୋଉ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ଦେଖି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, କହିବେ ମା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? 6:44 ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବା, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ତ ଦେଖିପାରିନୁ, ପୋଲିସ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଫେରିକି ଯାଉ ଆଜି। ଧବଳେଶ୍ୱର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କଳା ବଳଦକୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଧଳା କରିଥିଲେ, କଣ ନାହିଁ କହିବି? କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିକିରି ପୁଅବତ ପାଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଗର ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପେଠାରେ 184 ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ମୋ ପଛରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଦୀପ ଲଗାଇକି ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୋଭ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ହିଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କି ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେହି ବାହାରୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।